नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। जो बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे पिस्सू पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आप बुल्फो पाउडर भी उसमें लगा सकते हैं जो बच्चों के लिए सेफ़ है, और एक बुल्फो पाउडर है जो बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए। आप छोटा सा मोकन चिमोकन जो भी उसके शरीर में पिस्सू हो जाते हैं तो बुल्फो पाउडर आप लगा सकते हैं, मेडिकल में आपको मिल जाएगा, बायर कंपनी का बुल्फो पाउडर आता है। एक तो हो गया, बड़े बच्चे हैं या कुछ बड़ी बकरियां हैं या बड़े बच्चे हैं उनके शरीर पर फ्लूमिटास भी लगाया जाता है ताकि उसके शरीर के चीचड़ खत्म हो जाए। बहुत बार आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं बकरी के शरीर के कीड़े ख़त्म करने के लिए। एक तरीका डीपिंग सिस्टम भी है, जैसे बच्चों को दवा मिला हुआ पानी में डुबकी लगाना। हालांकि बकरियों को जल्दी नहलाना नहीं चाहिए, बकरी हो या बच्चे हो जल्दी नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ये करना पड़ता है। जैसे अभी गर्मी का समय है तो अभी आप एक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहता है, ताकि बच्चे के जो शरीर पर ऊपर के जो कीड़े हो गए हैं, उसके बाल गंदे हो गए हैं और बारीक बारीक जो कीड़े हो गए हैं पूरी तरह से मर जाए। तो बीच में ये प्रक्रिया भी आप चाहे तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ तो आप कर ही रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि यदि बच्चे को पानी में आपको डुबाना है कीटनाशक मिलाकर, जिसे मैं कीटनाशक लिया हूँ, ये बूटेक्स आप ले सकते हैं, बिटराज ले सकते हैं, बहुत तरीके के बाज़ार में जो कीड़े मारने वाले शरीर के जो कीड़े हैं, ऊपरी कीड़े जो बकरियों को हो जाते हैं या कोई भी जानवर के, तो उसके लिए आता है ये बूटेक्स दवा मैंने लिया है। तो बच्चों को यदि पानी में दवा मिला हुआ पानी में डुबकी लगाना है, डीपिंग कराना है, तो सबसे पहले जो आप सावधानियाँ बरतेंगे वो सावधानी आपको यह बरतना है कि सबसे पहले अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो जितनी बकरियां हैं या बच्चे हैं जिनको आप ये डीपिंग करने जा रहे हैं, यानी कीटनाशक मिला हुआ दवा में डुबाने जा रहे हैं, तो पहले उनको आप ये देखने कि वो प्यासे ना हो, यानी सबसे पहले उनको पानी पिला देना है। यदि पशु प्यासे हैं, पानी प्यास उसे लगा हुआ है, चाहे मेमना हो या बड़ी बकरियां हो, तो उसे प्यास लगा हुआ है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। डुबाते समय किसी न किसी रूप से वो कुछ कीटनाशक मिला हुआ पानी वो पी लेगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो जाएगा। आप ना चाहेंगे फिर भी वो किसी रूप से थोड़ा सा पी सकता है, एक डर बना हुआ है, तो आप सुनिश्चित कर लें कि हमने पानी पिला दिया है। ये काम करने से पहले अपने पशुओं को आप पानी ज़रूर पिलाएं, ताकि उसे प्यास लगा हुआ ना होना चाहिए। प्यासे पशु को किसी भी हालत में ये प्रक्रिया ना करें, ये तरीका उस पर ना अपनाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर उस तरीका से आप करते हैं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। एक छोटा सा मैंने लिया है टब, दिखाइए इसको, 15 लीटर इसमें पानी आता है, लेकिन हमने इसमें 10 लीटर ही पानी लिया है। तो चूंकि छोटे मेमने को मैं इसमें डुबाऊंगा, तो पानी इस तरीका से छोटा टब है तो भी मेमने इसमें आराम से डीपिंग मेमने का हो जाएगा, इसमें मैं डुबा लूँगा, जिससे उसके शरीर के सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। डीपिंग करते समय आपको बहुत सारे सावधानी बरतना है, जो कि मैं वीडियो में दिखाऊँगा, प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा वीडियो वही होता है जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो इसमें जो डोज आपको ध्यान रखना है नापने के लिए मैंने रखा है, तो 1 लीटर पानी में 1 ml, यानी 10 लीटर पानी है तो इसमें मैं 10 ml दवा को डालूंगा। और एक सावधानी और आपको बरतना है, चलिए पहले मैं दवा डालता हूँ। 10 लीटर पानी मैंने लिया है तो इसमें मैं 10 ml दवा को डाल दूंगा, और 10 ml दवा डालने के बाद कम से कम मैं इसमें 20 बच्चे को डुबकी लगवाऊँगा। तो इस तरीका से 6 4 10 मैंने 10 इसमें डाल दिया है, बिल्कुल पानी उजला हो गया है, दवा मिलाने के बाद पानी उजला हो गया। तो हम इस दवा को इसमें डाल दिए हैं 10 ml। ये दवा को बिल्कुल बच्चों से सुरक्षित रखना है, हो सके तो अपने हाथों में ग्लव्स लगा लें। मेरे पास अभी नहीं था और मुझे करना था, तो ये गलती मैं कर रहा हूँ, लेकिन संभव हो तो ग्लव्स ज़रूर लगाएँ। तो मैंने दवा इसमें मिला दिया है, और दवा मिलाने के बाद जो पानी नॉर्मल पानी था जिसमें मैंने दवा मिलाया, और ये मैं गर्म पानी करके लाया हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, चूँकि अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो भी मैं गर्म पानी क्यों डाल रहा हूँ, यही सब तरीका पकड़ना है, ताकि बच्चे को बीमारी से आपको बचाना है। बॉडी टेम्परेचर उसका भी बढ़ा हुआ है, चूँकि वो धूप में है, और ये काम तभी करना है जब मौसम साफ हो, धूप हो, बादल वगैरह लगा हुआ ना हो, और बारिश का मौसम ना हो, या किसी भी मौसम में बारिश का संभावना ना हो तो ही करें। सर्दियों में तो ये काम भूल के नहीं करना चाहिए। तो चूँकि ये मैं पानी में दवा डाला हूँ, उसके बाद ये गर्म पानी मैंने करके लाया है, पानी को गर्म करके आपको रखना है, ताकि आप पानी उसमें गर्म पानी मिला सकें। तो मैं इसमें गर्म पानी मिला रहा हूँ, ताकि इसका जो टेम्परेचर है एक सामान्य टेम्परेचर हो जाए, ताकि बच्चे को मैं धूप में से पकड़ कर लाऊँगा तो भी बच्चे के शरीर पर वो अचानक वो
कनकनाहट ना मिले, यानी अचानक टेम्परेचर बिल्कुल नीचे ना आ जाए जिससे कि बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो ये मैंने गर्म पानी इसमें मिला दिया है और सभी बच्चे को मैं इसमें डुबकी लगवाऊँगा। डुबकी आपको लगाते समय बिल्कुल ध्यान आपको बना के रखना है कि किसी भी तरह से बच्चे इसको पी नहीं पाए। और डुबकी लगाते समय सबसे बड़ा सावधानी आपको ये बरतना है कि किसी भी रूप से बच्चे के आँख, नाक और मुंह का एरिया, कान का एरिया में एक दवा मिला हुआ पानी न लगे तो आपके लिए बढ़िया है। यदि दवा मिला हुआ पानी अगर उसके नाक, कान, मुंह में अंदर चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दवा में डुबाने के बाद, निकालने के बाद इसको फिर से धूप में खड़ा कर देना है ताकि इसका शरीर का पानी सूख जाए। ये प्रक्रिया आपको अगर करते हैं तो कोशिश करें कि 9 से 10 बजे तक दिन में कर लें ताकि दिन भर में वो पूरी रूप से दिन में धूप उसके शरीर पर लगेगा तो बिल्कुल सूख जाएगा। ये प्रक्रिया आप गर्मियों में करें, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो ये मैं कर रहा हूँ। और बकरियों को यदि करना चाहते हैं तो बड़ा सा बर्तन या बड़ा सा गड्ढा या बहुत बड़ा सा बर्तन हो जिसमें ये दवा मिला हुआ पानी डाल के बकरियों को डुबो के आप कर सकते हैं। तो छोटे मेमने को मैं इसमें डुबा रहा हूँ, डुबा के मैं निकाल के इसी धूप में रखते जाऊँगा और बारी बारी सभी बच्चों को करूँगा। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो कीड़े मर जाएंगे और उसका शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, एक तरह से उसका स्नान हो जाएगा। तो वैसे बकरियों को जल्दी नहलाना नहीं चाहिए लेकिन गर्मियों में आप इस तरीका से कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैं इस तरीका से करके धूप में खड़ा कर रहा हूँ और सभी बच्चे फिर धीरे धीरे सूख जाएंगे और फिर फ्रेश हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको करना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई कीटनाशक अगर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे पाउडर्स हैं या फिर शरीर पर लगाने वाले बहुत सारे दवा हैं, तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस बन जाता है और कीड़े फिर मरना बंद कर देते हैं, मरते नहीं हैं। तो बीच बीच में ये फार्मूला भी अपनाना चाहिए, यानी कि हर तरह से अप्लाई करना चाहिए ताकि कीड़े अपने वो एक क्षमता ना बना लें जिससे कि वो मरे ना। तो इस तरीका से करने से आपका कीड़े मरते रहेंगे। कभी आप ये फार्मूला अपना लें, कभी आप फ्लूमिटास रीढ़ के हड्डी पे लगा लें, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो बना के दिखाया हूँ, आप लोग को चैनल पर डाला हुआ है। तो बच्चे को चीचड़ से मुक्त रखते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से आप बचेंगे क्योंकि कमज़ोर बच्चे नहीं होंगे। चीचड़ शरीर पर रहने पर ब्लड की कमी होता है, यानी कि खून ही वो पीते हैं, उपरजीवी हैं, खून पीते हैं। तो खून पीने से बच्चे आपके कमज़ोर होते चले जाएंगे, चाहे आप जितना भी अच्छा से खिला रहे हों, उसका माँ का दूध प्रॉपर मिल रहा हो, फिर भी बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे उसका बहुत बड़ा लॉस का सामना आपको करना पड़ता है। तो इस तरीका से आप अपने बच्चों को समय समय पर कीटनाशक युक्त पानी से भी स्नान करा सकते हैं या पूरे शरीर को पोंछ सकते हैं। तो छोटे बच्चों को मैं इसमें डुबकी लगा रहा हूँ और बड़ी बकरियों को मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें कपड़ा डालकर कपड़े के सहारे से पूरे शरीर उसको मैं पोंछ दूँगा। तो फार्मिंग में इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बिंदु पर अगर ध्यान आप रखते हैं तो फार्मिंग में आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि पूरा फोकस यहाँ खिलाने पे है, लेकिन बचाने पे कौन ध्यान लगाएगा। अगर बकरियाँ आपकी बीमार नहीं होती है या कम होती है, हल्का फल्का बीमारी जिसको कि आप प्रॉपर इलाज कर पा रहे हैं, तो कम खर्च में आपका हो रहा है, तो जो पैसा बच रहा है वो बकरियों को खिलाने में आपको लगेगा। और यदि बीमार पशु है तो आप तो इलाज कर ही रहे, उसमें आपका खर्च हुआ, दूसरा उसके शरीर पे वो मांस नहीं चढ़ेगा, यानी वो वेट गेन नहीं करेगा, छोटे मेमने आपको समय से नहीं बढ़ पाएंगे, तो फार्मिंग में आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको लॉस दिखाई देगा। तो पशुओं को खिलाने का पूरा व्यवस्था आप तो करते ही हैं एक रूटीन के अनुसार, और लेकिन ये प्रक्रिया भी उसके शरीर के जो पिस्सू हैं, अंदर के कीड़े को मारने के लिए आपने डिवॉर्मिंग किया या करते भी हैं, पेट के कीड़े जो अंदर क्रीमी हो जाते हैं पेट के अंदर, उसको मारने के लिए आप डिवॉर्मिंग करते हैं, समय समय पर कीड़े की दवा देते हैं, तो अंदर के कीड़े मरे। लेकिन जो बाहर के कीड़े हैं उसको इस तरीका से करके आप मार के अंदर और बाहर दोनों के कीड़े से सुरक्षित रख के बच्चों को वृद्धि करा सकते हैं। क्योंकि जो परजीवी होते हैं दोस्त, जो कीड़े होते हैं, जो पोषक तत्व जो हैं, जो खाने से बच्चों को या बकरियों को प्राप्त होता है, उसके 85% वो पोषक तत्व वो कीड़े खा जाते हैं, यानी परजीवी खा जाते हैं, जिससे पशुओं को वो चीज़ें मिलता नहीं। तो यदि परजीवियों से मुक्त यदि आप रखते हैं तो आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे और आपके बच्चे बचेंगे, बकरियां स्वस्थ रहेगी, समय समय से बच्चे देगी और बाड़े में बीमारियों का आगमन कम होगा, तो आपके चेहरे पर खुशी होगा, आपको सफलता दिखाई देगा, आपके संख्या बढ़ते चला जाएगा बाड़े में। क्योंकि सबसे बड़ा मरने का कारण होता है बच्चों का कमजोरी या बड़ी बकरियों का भी, और कमज़ोर शरीर में बहुत सारी बीमारियों का एक घर हो जाता है, तो उसे फिर पशुपालक संभाल नहीं पाते हैं। तो इस तरीका से करें, सुरक्षित बकरी पालन करें। तो बस यही बताना था आज के वीडियो में, और इस टाइप का बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं या सब्सक्राइब ना भी किए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो भी आप देखें, बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हुए हैं जो कि आपको बकरी पालन में
बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं और आपका एक सहायता उसे मिलेगा जिससे आप फार्मिंग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर है दोस्त कि यदि आपके पास संसाधन ना हो, यानी कि एक जमा पूंजी जिससे आप साल दो साल फार्मिंग संभाल पाएँ अपने खर्च पे, और खिलाने के लिए हरा चारा का व्यवस्था और सूखा चारा आप जहाँ से ला पाएँ वो जगह होना चाहिए पता आपको, हरा चारा की व्यवस्था होना चाहिए, सूखा चारा आप स्टोर कर पाएँ, बकरियों को सर्वाइव कराने के लिए, चूँकि साल डेढ़ साल मेहनत करने के बाद ही इनकम दिखाई देता है, तो जितना इतना पूंजी और इतना समय यदि आपके पास हो तो ही फार्मिंग में आएँ, अन्यथा इसमें ना आएँ आपको लॉस हो सकता है। तो प्रॉपर आप तैयारी करके आएँ कि आपके पास ये चीज़ें हैं या ना है, क्योंकि गरीबी रोने से सिर्फ काम नहीं चलता, क्योंकि पशु आप बिल्कुल नहीं समझेगा कि आप गरीब हैं, उसको जो आवश्यकता है उसे तो चाहिए, तो आपको ये करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल ट्रेनिंग लेके, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बहुत सारा डीपली चीज़ें बताया जाता है, तो ट्रेनिंग लेके ही फार्मिंग में आए। तो बिना ट्रेनिंग फार्मिंग ना करें। यदि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं तो घर बैठे भी आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि ऑनलाइन में मैं कैसे प्रैक्टिकल कर पाऊँगा, तो जिस तरीका से मैं ये करके दिखा रहा हूँ इस तरीका से मैं डीपली ऑनलाइन में करके ही दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। और उसमें चूंकि YouTube का एक टर्म कंडीशन है कि एक लिमिट में ही वीडियो हम बना सकते हैं, सभी चीज़ों को नहीं दिखा सकते, लेकिन वहाँ हम आज़ाद होते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम सभी चीज़ों को आपको दिखाते हैं कि मेमना का बध्याकरण कैसे करें, बीमारियों में इलाज कैसे करें, किस जगह पर कौन सा इंजेक्शन लगाएं, कौन सा दवा का कब इस्तेमाल करना है, बच्चे को कैसे बचाएं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल ओपन रूप से बताया जाता है जिससे कि आप सफल फार्मिंग कर पाते हैं। तो साधन और जानकारी दोनों लेके ही फार्मिंग में आए, और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, और इधर से रिप्लाई जाएगा कि किस तारीख को आपका डेट है, कब आपको ट्रेनिंग मैं दूंगा और क्या क्या टर्म कंडीशन है, ये जो बताया जाएगा। तो जानकारी लेके ही करें, सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें अपना फ़ायदा तो मेरा है ही, लेकिन साथ में आपका भी फायदा है, क्योंकि आप बाकी आने वाले मुसीबत से बचेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।